हेलो हेलो गाइस, वेलकम टू कुकिंग जस्ट सुनीता। के कपड़े हैं आपको हम घर पे ही दूध फट गया था आधा उसके घंटा छेने बनाकर रखेंगे। दिखाएंगे, वो भी बिल्कुल हलवाई की तरह। दूध को, पनीर को हम एक नरम कपड़े से पानी निकाल देंगे और इस पानी को भी वेस्ट नहीं करना है। इसे किसी आटा को गूंद सकते हैं, किसी पेड़ पौधे में भी डाल सकते हैं। उसके बाद जो पनीर हमारा बचा था, उस पनीर को हम हल्के हल्के हाथों से मस लेंगे, जिससे कि हमारे छेने सॉफ्ट और सफ़ेद बने। इसको करीब हम 5 से 10 मिनट ले सकते हैं, जितना अच्छे हाथों से और हल्के हाथों से मस लेंगे। इस स्टेज तक, जब तक ऑयल हाथों पे आ जाए, समझिए आपका पनीर एकदम छेना बनाने के लिए तैयार है। उसके बाद हम इसको हल्के हल्के हाथों से, नरम नरम हाथों से इसको मस लेंगे। उस जब ये काम हो जाएगा तो हम अपना चाशनी बनाने की प्रोसेस में चलेंगे। इस प्रोसेस में हमें 1 कप चीनी और 3 कप पानी डालेंगे। इसमें कोई तार वाली चाशनी नहीं चाहिए, हमें एक नॉर्मल चाशनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमें एक तार या दो तार की चाशनी चाहिए। हमने अपनी गैस को ऑन कर दिया है, वो भी मीडियम हाई फ्लेम पे। इसको एक उबाला आ जाने दें। इस उबाला आने जाने तक, तब तक हम अपना पनीर से छेने की गोलियां बनाने की प्रक्रिया को स्टार्ट करते हैं। गाइज, इसको आप बहुत ध्यान से करिए, क्योंकि इसमें क्रैक्स ना पड़े। अगर क्रैक्स पड़ेंगे तो ये फट जाएंगी चाशनी में जाके। जब ये फट जाएगा तो आप कहेंगे ये क्या, सुनीता ने क्या सिखाया। इसलिए आप इसको ध्यान से देखिए, इसमें मेरी गोलियों में कोई क्रैक्स नहीं है। और बहुत नरम नरम हाथों से इन्हें बनाइए। बहुत सरल प्रोसेस है और बहुत कम वक्त में आप दीपावली पे ये अपनी मिठाई बना सकते हैं। देखिए, जब हमारी चाशनी खोल जाती है तो हम उसको अपने छेने की गोलियों को उसमें डालते हैं। इसको एक थोड़ी थोड़ी करके, सारी गोलियां नहीं डालनी है, थोड़ी थोड़ी करके ही डालनी है, क्योंकि चाशनी का जो टेम्परेचर है वो डाउन ना हो। अगर डाउन हो जाएगा तो वो आपकी गोलियां उस स्टेज तक फूलेंगी नहीं, फिर जो हलवाई जैसे छेने होते हैं वो आपके घर पे तैयार नहीं होंगे। इसलिए थोड़े थोड़े करके हमें वो छेने चाशनी में डालने हैं और उसको इसी हाई फ्लेम पे ही रखना है, फ्लेम को डाउन नहीं करना है। जब इसका टेम्परेचर फिर से इसमें उबाला आने लगे, थोड़ी डालने के बाद फिर से इसमें उबाला आने लगे, तो ये बची हुई गोलियाँ वो भी इसी में डाल दें। इससे आपकी चाशनी अच्छे से और छेने अच्छे से फूलेंगे, देखिएगा आप। उसको बाद आप इसको करीब 15 मिनट इसको खौलाएंगे और ये लो रेडी हमारे हलवाई जैसे घर पे ही छेने। कहीं अब आजकल इतना बीमारियों का माहौल चल रहा है, इसलिए छेनों को घर पे बनाएं, घर पे खाएं और अपने फैमिली मेम्बर्स को खिलाएं। और बिल्कुल स्पॉन्जी रुई की तरह बने हुए हैं ये छेने। मैंने इसको करीब करीब 10 या 15 मिनट में, 15-20 मिनट की प्रोसेस में इसको पूरा कर लिया है। ये प्रोसेस आप भी अच्छे से घर पे कर सकते हैं। आप देखिए, बहुत गर्म है, मेरा हाथ जल रहा है, आप देख सकते हैं। देखिए कैसे रुई की तरह एकदम फूल रहे हैं, हम इसको पिचका रहे हैं वो फूल रहे हैं।